टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसानों की समस्या कम नहीं हो रही है। पिछले 3-4 महीने से प्याज के गिरते दाम के कारण किसान परेशानी में है, उनकी लागत नहीं निकल पा रही है। अभी तक राज्य के कई जिलों में किसानों को प्याज का दाम 200 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक का न्यूनतम रेट मिल रहा है। वहीं बता दें कि सूबे की कई मंडियों में प्याज का दाम एक बार फिर गिरकर 1 से 1.5 रुपए प्रति किलो तक रह गया है, जबकि लागत 1500 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक आती है। प्याज के गिरते दाम के चलते किसान अब इसकी खेती छोड़ सोयाबीन और कपास की ओर रुख कर रहे हैं। जिन किसानों के पास स्टोरेज की सुविधा है वो अभी तक प्याज का स्टॉक करके रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अगस्त और सितंबर तक अच्छे दाम की उम्मीद है। लेकिन जिनके पास ऐसा इंतज़ाम नहीं है वो औने पौने दाम पर प्याज बेचने के लिए मजबूर हैं। हालात ये हैं कि प्याज की जिस लांसगण गांव मंडी को लेकर महाराष्ट्र के किसान गर्व महसूस करते हैं, वो भी अब उन्हें निराश करवा रही है। ये एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है, लेकिन यहाँ न्यूनतम दाम 4 जुलाई को सिर्फ 500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं बता दें कि निफाड़ मंडी में भी यही रेट है। किसानों को प्याज का सबसे कम दाम नासिक, अहमदनगर और सोलापुर की मंडी में मिल रहा है। कुछ किसानों को उम्मीद है कि बांग्लादेश में एक्सपोर्ट से दाम में कुछ तेजी आ सकती है। वहीं जिन किसानों ने प्याज स्टोर किया है उन्हें अब एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जिलों में तेज बारिश के कारण स्टॉक किया हुआ प्याज खराब हो रहा है, इसलिए किसान फटाफट प्याज बेचना चाहते हैं। प्याज उत्पादक संगठन महाराष्ट्र के अध्यक्ष भारत डिगोला का कहना है कि सिर्फ 10% ही किसान के पास स्टोरेज की सही और अच्छी सुविधा है। अब जिनके पास सुविधा है वो भी प्याज सड़ने की समस्या से जूझने लगे हैं। वहीं डिगोला का कहना है कि बांग्लादेश में प्याज एक्सपोर्ट से किसानों को कुछ राहत जरूर मिलेगी, दाम में कम से कम 3 से 4 रुपये प्रति किलो की तेजी आ सकती है। हालांकि अभी ईद के त्यौहार के चलते बॉर्डर 7 से 8 दिन बंद रह सकता है, यानी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इस एक्सपोर्ट से किसानों को कितना फायदा हो रहा है। फिलहाल तो देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र में किसान परेशान हैं कि वो प्याज की खेती छोड़ दे या फिर अभी कुछ दिन घाटा सहकर बिक्री करे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।